दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अभी ये जो बटरफ्लाई है इसमें नोजल कैसा फिट होता है। बहुत से भाई ऐसे होते हैं जो नोजल फिट नहीं कर पाते हैं या जल्दी लगता नहीं है, ये भी कह लें कि जल्दी लगता नहीं है। हालांकि ये बहुत इजी है। बहुत से भाई को मालूम नहीं है कि लगता कैसा है, तो ऐसे हाथ से लेके ऐसा आप देख सकते हैं, हाथ से लेके ऐसा डालते हैं तो ये सही बैठता नहीं है, तो ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बता देता हूँ कि ये लगाने से पहले आप ये भी देख लें कि ये जो यू कट पोजीशन है, ये देखें, ये एक्सटर्नल है मतलब बाहर के साइड जाता है, और ये रबड़ साइड है वो इंटरनल है, ये अंदर साइड रहता है। ठीक है, तो ये दो पीस एक ही है लेकिन दो भी हो जाता है। आप देखें कि दो भी निकल जाता है तो आप लोग घबराइए नहीं कि अरे निकल गया या टूट गया, ऐसा कुछ बात हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रबड़ है, ये मेटल है, ये नोजल है, और नोजल के ऊपर ये रबड़ लगता है ताकि इसके ऊपर स्विच टिप दबाए तो पेंट लीकेज ना हो। ठीक है, तो ये निकल गया तो आप टेंशन ना लें, आप चाहें तो इसको फिर से ये देखें फिर से लगा सकते हैं। ठीक है, ये लग गया। अब हम ये बटरफ्लाई में कैसे इसको फिट करेंगे, तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप स्विच टिप लीजिए, ये जो आगे नोकीला दिख रहा है आप देख सकते हैं, इसको ये रबड़ के साइड से अंदर लगाइए। ठीक है, रबड़ के साइड से अंदर आप लगाएंगे तो ये ऐसे पोजीशन में आ जाएगा। अब आप बटरफ्लाई लीजिए जो इसका होल है, इसको नीचे करके ऐसे पोजीशन में रखिए और इसके अंदर डाल के आप इसको आसानी से फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें, कभी कभी एक बार में लगता भी नहीं है, इसमें भी दिक्कत परेशानी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम होल को सही मिलाते नहीं हैं, इसके लिए ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बताने के चक्कर में होल में भी नहीं मिला पा रहा हूँ, लेकिन आप देख लें इसका आसान तरीका कि इसको हम ऐसा लेंगे, ऐसे पोजीशन में लेंगे तो ये ऐसा देख के हम ये देखें लग गया। ठीक है, अब लग गया तो इसके ऊपर आप हाथ रख दीजिए और पहले क्या करिए, आप स्विच टिप ये बटरफ्लाई में लगा लीजिए ताकि जो यू कट है वो सीधा हो जाए। ठीक है, अब सीधा हो गया, निकाल लीजिए। निकालने के बाद एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो इसने स्विच टिप में दिया है, ये यू कट दिया है, ये नोकीला दिया है, नोज दिया है, तो इसका भी मीनिंग है। ये होता क्या है कि ये जो नोकीला है, आप चाहें तो पहले ओ दाब के नोजल को दबा सकते हैं ताकि अंदर अच्छी से बैठ जाए, और अगर नहीं जा रहा है तो ये जो दिया है ये नोजल के ऊपर आप इसको ऐसा डाल के घुमाएं ताकि नोजल अगर टेपर बैठा है, सही गया नहीं है, तो सीधा हो जाए, फिर आप ये डाल के इसमें दबा दें। अब दबाने के बाद से एक बार और आप ये स्विच टिप लगा के देख लें सीधा हुआ है कि नहीं, अगर सीधा नहीं होता है थोड़ा टाइट जाता है, आप दबा के इसमें लगा दें तो ये फिर सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था नोजल लगाने का एक आसान तरीका, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। मैं क्लियरली बता दिया हूँ आपको, बहुत ईजी है ये फिट करने का, और इसको निकालने का भी है कि कोई भी नोकीला चीज़ से अगर इससे निकलता है ठीक है, ये दबाएं तो आप निकल भी सकता है, नया है तो निकल जा रहा है, देखिए निकल गया, लेकिन अगर एक दो बार यूज हो गया रहेगा पेंट तो ये निकलता नहीं है, इसके लिए नोकीला कोई चीज़ से ठोकना पड़ता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपको नोजल लगाने का आसान तरीका, हमने गन कैसे फिट करते हैं, गन को कैसा रेडी करते हैं ये भी बता दिया हूँ, और बटरफ्लाई लगाने का तरीका बता दिया हूँ, गाइड बोल्ट फिट करने का तरीका बता दिया हूँ, नोजल लगाने का तरीका बता दिया हूँ। तो उम्मीद करते हैं हम हमारे वीडियो से संतुष्ट होंगे, और हम ऐसे ही एयरलेस काम के बारे में, एयरलेस पेंटिंग के बारे में मैं एक एक टॉपिक बना रहा हूँ, एक एक वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हमारे जो भाई इस मामले में थोड़ी कमज़ोर हैं वो हमारी वीडियो देख के और अच्छा से समझ लें और होशियार हो जाएँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप हमारे वीडियो में बने रहें, हमारे चैनल से बने रहें, हम फिर आपको ऐसे ही टॉपिक में अगले वीडियो में बताएंगे।